नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम आर्मी के ओरिजिनल पेपर, टेक्निकल के ओरिजिनल पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। यह देखने वाले हैं कि रीजनिंग के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल के अंदर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है, मतलब टेक्निकल के पेपर में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के 20 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। अगर बात करूं मैं जीडी और ट्रेडमैन की, ट्रेडमैन 8th पास और 10th पास, इनके पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है बिल्कुल फोकट के, मतलब फ्री के नंबर आपको मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करते हैं इन 5 क्वेश्चन के ऊपर, तो ये 5 क्वेश्चन आप पेपर में आसानी से राइट कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन देखते हैं, बहुत ही शानदार होने वाला है सेशन। फटाफट सेशन को लाइक कर दें और सेशन खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। टेक्निकल के पेपर में, ग्वालियर के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन भी मैं आपको साथ में देने वाला हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 42 छात्रों की कक्षा में ऊपर से मनोज का 16वां स्थान है, तो बताओ नीचे से कौन सा स्थान होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। और एक बता दूं मैं आपको कि YouTube पर आप कहीं भी सर्च कर लेना, आपको आर्मी के लिए ऐसी क्लास कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी। पहली क्लास YouTube पर आज ही हो रही है जो आर्मी के ओरिजिनल पेपर, टेक्निकल का ओरिजिनल पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बोर्ड पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। पहली क्लास है, कमेंट करके बता देना अगर कहीं भी अवेलेबल हो तो। नहीं है, अगर आप आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आप बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, 42 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से मनोज का 16वां स्थान है, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज के बाद गलत नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 42 छात्रों की क्लास है, मतलब एक कक्षा में 42 स्टूडेंट है। किसकी बात हो रही है? मनोज है। मनोज का स्थान ऊपर से 16वां है, मतलब ऊपर से जो मनोज भाई साहब है उनका स्थान कौन सा है? 16वें स्थान पर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे पूछूं कि क्लास में कितने छात्र हैं? टोटल है 42। मनोज ऊपर से 16वें स्थान पर है तो मनोज के नीचे यहां से लेकर यहां तक कितने बैठे हैं? आप कहोगे सर 16 माइनस कर दें, बिल्कुल 16 माइनस कर दिया, कितना बच गए? 26 बच गए। इसका मतलब क्या है कि मनोज ऊपर से 16वें स्थान पर बैठा है, मनोज के नीचे कितने बैठे हैं? 26 बच्चे बैठे या नहीं बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं। अब मनोज का कौन सा स्थान होगा? 26 तो नीचे बैठे हैं, मनोज का एक ऊपर है, मतलब स्थान कौन सा हो गया? 27वें स्थान पर है। नीचे से कौन से स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 27। एक बार रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए मनोज का ऊपर से कौन सा स्थान है? ऊपर से 16वां स्थान है, तो मनोज के नीचे कितने बैठे हैं? टोटल स्टूडेंट है 42। 42 में 16 माइनस कर दिए, कितने आते हैं? 26। मतलब मनोज के नीचे 26 हैं। मनोज के नीचे कितने हैं? 26 हैं। तो मनोज का कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? 26 इसके नीचे हैं, एक ऊपर है, मतलब कौन सा स्थान रहेगा? 27वां स्थान। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं, आप सभी को कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। चारों ऑप्शन मैं आपको देने वाला हूं, प्रत्येक भाई आंसर करने की कोशिश करें कि आंसर क्या रहेगा। आप जीडी की तैयारी करते हैं तो भी रीजनिंग के क्वेश्चन सेम आते हैं, अगर आप ट्रेडमैन 8th पास या 10th वाले के लिए करते हैं तो भी बिल्कुल सेम लेवल आता है, रीजनिंग का सेम सिलेबस है, सेम लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूरा क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से, विकल्पों में से क्रम से रिक्त स्थान को भरें, क्रम से रिक्त स्थान को, जो खाली जगह है उसे भरें, रिक्त स्थान भरें। क्या दे रखा आपको? 130 के बाद दे रखा है 66, उसके बाद आपको दे रखा है खाली स्थान, उसके बाद 18 दे रखा था,
उसके बाद था 10, 10 के बाद 6। आपसे पूछा था कि ये जो खाली जगह है, ब्लैंक जगह है, यहां पर कौन सा आएगा। ये एक सीरीज चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है, जो खाली जगह है इस पर क्या आएगा। चारों ऑप्शन भी मैं आपको देने वाला हूं। ऑप्शन ए था 34, ऑप्शन बी था 35, ऑप्शन सी 37 और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 45। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। दिए गए विकल्पों में से कर्म से रिक्त स्थान को भरें, जो आपको खाली जगह दे रखी है इसे भरना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। यूट्यूब पर आपको आर्मी के लिए ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी, ये पहली क्लास है रीजनिंग की जो यूट्यूब पर आ रही है स्पेशल आर्मी वालों के लिए। टेक्निकल का पेपर कोई सोल्व नहीं करवाता है, टेक्निकल की स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग की स्पेशल क्लास शुरू, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जरूर आपके लिए बहुत ही जल्दी रीजनिंग की स्पेशल क्लास आएगी। जितने भी टॉपिक आपके पेपर में, आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं, सभी टॉपिक आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 130, 66, खाली जगह 18, 10, 6। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 130, 66, खाली जगह 18, 10 और 6। अब देखिए इसमें माइनस वाला तो सिस्टम नहीं हो रहा। देखिए 130 से 66 आ गया, मतलब कुछ ना कुछ क्या क्या है, भाग वाला सिस्टम चल रहा है। क्या इसमें अगर 2 का भाग लगाते हैं तो 66 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 2 का भाग लगाते हैं कितना आता है? 65 आता है। 130 में जब 2 का भाग लगाते हैं कितना आता है? 2 6 12 और 2 5 10, 65 आ रहा है। अगर मैं 65 में 1 जोड़ दूं तो 66 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 130 से 66 कैसे बने आपको यह देखना है। 130 से 66 कैसे बन सकते हैं? 2 का मैं 130 में भाग लगाऊं और 1 जोड़ दूं तो 66 बन रहा है। अब देखते हैं यहां कुछ ऐसा करना है कि 2 का भाग लगाएंगे और 1 जोड़ने पर वो संख्या आनी चाहिए, और जो संख्या आएगी उसमें 2 का भाग लगा के 1 प्लस करेंगे तो 18 आना चाहिए। क्या यही क्रम आगे है क्या? एक बार चेक करते हैं। 18 में 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा? 18 में 2 का भाग लगाने पर आता है 9, 9 में 1 जोड़ दिया 10, बिल्कुल आ रहा है। क्या यह श्रृंखला आगे भी सेम चल रही है क्या? 10 में 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा? 5 आएगा। 5 में 1 जोड़ने पर 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अपने को ऐसा यहां करना है, 66 में किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। कितना आएगा? 33, और 33 में 1 जोड़ना है, मतलब यहां पर कितना आएगा? 34। अब चेक करते हैं कि 34 में 2 का भाग लगा के 1 जोड़ते हैं क्या 18 आ रहा है क्या? 34 में 2 का भाग लगाएंगे 17, 17 में 1 जोड़ दिया 18, बिल्कुल आपका 34 राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का भी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक आप सभी को कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहेगा। मैथ्स की क्लास रेगुलर 7 बजे शाम को रेगुलर 7 बजे चलती है, अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस सभी के ट्रेड में पूछा जाता है, आप बेफिक्र होकर वो सेशन ज्वाइन कर सकते हो, उस सेशन से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा आपके किसी भी ट्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर तीन आपसे पूछा गया था, यदि VICTORY यदि विक्ट्री को सांकेतिक भाषा में यदि विक्ट्री को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है? YLFWRUB लिखा गया है, RUB लिखा जाता है, लिखा जाएगा कि एक सांकेतिक भाषा है, उस सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को क्या लिखा, इस कोड में लिखा जाए, तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा? तो उसी भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा? SUCCESS को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, सक्सेस को क्या लिखा जाएगा, और शानदार तरीके से करने वाले हैं।
10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह देखना है कि जो ये वर्ड है VICTORY इसे किस कोड में, किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया है, यह लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको अरेंज करना है VICTORY, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख दिया इसने, इसने लिखा है YL, उसके बाद है F, उसके बाद है W, के बाद है RUB लिखा गया है कि किसी कूट भाषा में, कोई सांकेतिक भाषा के अंदर विक्ट्री VICTORY को क्या लिखा, YLFWRUB लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उसी सांकेतिक भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। अब पहले यह चेक करते हैं कि विक्ट्री को इस कूट भाषा में, सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा। मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो वी है ये कितने नंबर पर आता है, अल्फाबेट में आता है 22 नंबर पर। कितने पर आता है, 22 नंबर पर आता है। वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। आई कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। एल कितने पर आता है, 12 नंबर पर आता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब मैं रीजनिंग की स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा तो ये जितने भी हैं अल्फाबेट किस क्रम में कितने नंबर पर है आपको एक मिनट में याद करवा दूंगा। चलिए सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, यह लिख रहा हूं। उसके बाद आंसर आपके सामने होगा। टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है। यू कितने नंबर पर, यहां पर क्या था, कुछ ना कुछ, सॉरी ओ है, ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। और ये आर कितने पर, 18। यू 21 पर, और वाई आता है 25 पर, और बी आता है 2 नंबर पर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको बिल्कुल नजर आ रहा है कि 22 और 3 25, 9 और 3 15, 3 और 3 6, 20 और 3 23, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 25 और 3 कितने हो गए, 25, 1 26, और उसके बाद आता है 2 पर। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितने नंबर पर है, जो अल्फाबेट जितने नंबर पर है उसमें 3 जोड़कर लिखा जा रहा है। कितने जोड़कर लिखा जा रहा है, सभी में 3 प्लस किए जा रहे हैं। कितने प्लस किए जा रहे हैं, 3 प्लस किए जा रहे हैं। तो सेम आपको क्या करना है, यहां पर सक्सेस ये वर्ड है इसमें क्या करने हैं, 3 प्लस करके लिखने हैं। एस कितने पर आता है, एस आता है 19 नंबर पर। 21 पर क्या आता है, देखिए 19 में 3 जोड़े कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 22 पर क्या आता है, यू आता है 21 पर, वी आता है 22 पर। तो देखिए इस एस का कोड भी क्या होगा, वी होगा। इस एस का कोड भी क्या होगा, वी और वी। आप चार ऑप्शन में देख सकते हैं कि अगर पहला वी और लास्ट वाला 2 वी है तो आपका सही रहेगा। आगे कर लेते हैं। यू आता है 21 नंबर पर। 24 नंबर पर क्या आता है, डब्ल्यू 23 और एक्स 24 पर। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। 6 नंबर पर क्या आता है, देखिए हमने यहां डिस्कशन किया था कि सी 3 पर है, 6 एफ आता है, तो सी एफ एफ हो जाएगा। ई आता है 5, 5 और 3 8, 8 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, एच आता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, वी एक्स एफ एफ एच वी वी आपका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके सामने था। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, टेक्निकल के ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके चार ऑप्शन मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन के आपके चार ऑप्शन मैंने नहीं दिए थे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखूं तब तक चारों ऑप्शन में जैसे लिखूं आंसर कमेंट कर देना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्रम को पूरा करो। आपको क्या दे रखा है कि दिए गए विकल्पों से, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करो, क्रम को पूरा करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था, टेक्निकल का पेपर है, ओरिजिनल पेपर चल रहा है। क्या दे रखा था, शुरुआत में आपको दे रखा था B2CD, आगे दे रखा था ब्लैंक, खाली जगह दे रखी थी। 2-3 नंबर पे दे रखा था BC, D4 दे रखा था, और 3 नंबर 4 नंबर पर आपको दे रखा था
B5 CD दे रखा था और नेक्स्ट आपको दे रखा था BC 6D दे रखा था। ये आपको श्रृंखला दे रखी थी, सीरीज दे रखी थी। आपसे किसी ने पूछा था कि विकल्पों की सहायता से जो ब्लैंक स्थान है उसे भरें, तो पहला ऑप्शन ऑप्शन ए आपको दे रखा था BCD, ऑप्शन बी आपको दे रखा था, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था B2 C3D और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था BC 3D और ऑप्शन डी आपको दे रखा था B2 C2D। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे, मात्र 5 सेकंड का एक क्वेश्चन है। देखते हैं आप ऑप्शन की सहायता से, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन पर जाओगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से करोगे तो डायरेक्ट उड़ा सकते हो। चलिए, मोस्टली जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी के सभी आंसर कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैं आपको क्लास रीजनिंग की करवा रहा हूं, ये टेक्निकल GD ट्रेडमैन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस इन 5 रीजनिंग के क्वेश्चन पर करते हैं तो एक क्वेश्चन भी आपका पेपर में गलत नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है, 5 6 4 5 6, यहां 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। देखिए 3 इस ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो चौथा ऑप्शन भी कैंसिल। क्या ऑप्शन ए में 3 है क्या, नहीं है, क्योंकि जो यहां पर जो वर्ड आने वाला है उसमें 3 तो होगा, क्योंकि देखिए 2 4 5 6, तो यहां 3 आएगा, तो ऑप्शन ए और डी तो राइट आंसर नहीं हो सकते। अब देखते हैं ऑप्शन बी और सी में से कौन सा होगा। यहां कितने हैं, 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, कितने हैं, 4 4 है, 3 3 अल्फाबेट है, 1 है डिजिट। देखिए 4 होने चाहिए, इसमें कितने हैं, 5 है, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए इसमें भी बी सी डी है, मतलब 3 अल्फाबेट है, BCD होने चाहिए और 1 क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, अंक होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जो किस में है, ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह था क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर रीजनिंग का मैं कहूं तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो आर्मी में हर बार पूछा जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करवाने वाला हूं, इस टाइप का क्वेश्चन तो आर्मी के पेपर में हर बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन में जब तक लिखूं तब तक सभी को कोशिश करना है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक ही नहीं पता कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। चलिए आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 5, एक सैनिक अपने कमरे से, क्वेश्चन दे रखा था एक सैनिक अपने कमरे से, एक सैनिक अपने कमरे से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में जाता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ज्ञात करें कि सैनिक अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, अपने मूल स्थान मतलब जहां से स्टार्ट किया था, अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। सभी के सभी जितने भाई लाइव हैं सभी इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। चारों ऑप्शन भी आपके सामने लिखने वाला हूं। ऑप्शन ए था 4 किलोमीटर
ऑप्शन बी था 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी था 7 किलोमीटर और ऑप्शन डी था 10 किलोमीटर। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। इस क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे आपको दो बेसिक समझने बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा कि उत्तर दिशा दक्षिण दिशा कौन सी होती है, तब तक ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। उसके बाद यहां एक मैथ्स का बेसिक भी आपको जरूरी है, वो भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए क्या दे रखा आपको, एक सैनिक अपने कमरे से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दिशाओं के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिशाओं के बारे में, ये जो ऊपर की दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। कौन सी होती है, दक्षिण। और इस तरफ कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। और इस तरफ होती है पश्चिम दिशा। क्लियर है क्या सभी को? स्क्रीनशॉट लेना ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। जो दिशा और दूरी है उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड लेवल का, यही क्वेश्चन है। इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में ना पूछा जाएगा, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्निकल की तैयारी करो, इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो दिशा और दूरी जो रीजनिंग का टॉपिक है उससे जो बनने वाला स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है वो यही है। देखिए सबसे पहले क्या मान लिया कि जो सैनिक है उसका मकान यहां पर है, कमरे से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब देखिए उत्तर दिशा कौन सी है, ऊपर की ओर। तो कितना गया, ऊपर की ओर गए हैं सैनिक साहब 4 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं 4 किलोमीटर चले। फिर देखिए पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाते हैं। अब पूर्व दिशा कौन सी है, यह है। तो पूर्व दिशा की ओर कितना गया भाई, 3 किलोमीटर गया। कितने गए, 3 किलोमीटर गए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ज्ञात करें कि सैनिक अपने मूल स्थान से, मूल स्थान यह है, वर्तमान में कहां पर है, यहां पर है। दूरी कितनी है बीच की, यह दूरी है। क्लियर है क्या? अब देखिए यह दूरी आपको निकालनी है। अब आपको एक चीज पता होनी बहुत ही जरूरी है, मैथ्स का एक बेसिक है। ये आप देख रहे हैं तो आपको ये त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है, क्या ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है। तो ये कौन सा त्रिभुज है, ये है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए मैं आपको बता दूं कि यह बन गया, मान लो कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। यह नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। यह क्या होता है, लंब होता है। और यह क्या होता है, कर्ण होता है। अब देखिए आधार और लंब आपको दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, कर्ण पूछा है। तो यहां एक पाइथागोरस प्रमेय है, उसका मतलब क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं समझाने वाला हूं, अच्छे से क्लियर कर लेना, सेशन को छोड़ के मत जाना, बहुत काम आने वाला है यह क्वेश्चन। मैथ में भी पूछा जाता है डायरेक्ट और रीजनिंग में भी आ जाता है। चलिए तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, जो लंब आपका होता है, लंब के स्क्वायर के, लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है क्या कि जो आधार आपको दे रखा है उसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अपने को क्या निकालना है, यह निकालना है, यह क्या है, कर्ण है। तो कर्ण आपको निकालना है तो क्या कर दोगे, इस तरफ कर दोगे वर्गमूल किसका, लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके क्या करना है आपको, वर्गमूल करना है। इतना काम आपको करना है। तो अब आपको ये निकालना है तो क्या करना है, मान लो ये आधार है तो 4 का करेंगे स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या करना है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करके इनका करेंगे वर्गमूल। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 हो गए 25, 25 का वर्गमूल बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है, 5 होता है, 5 की वर्ग संख्या 25 होती है, तो 25 का वर्गमूल क्या रहेगा, 5 रहेगा। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए, और मैथ्स का ये जो समकोण त्रिभुज है इसका ये भी आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज का ये रीजनिंग का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग की स्पेशल क्लास आपके लिए स्टार्ट की जाए
तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको रीजनिंग की स्पेशल क्लास मिलेगी। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है सभी टॉपिक आपको यहां बोर्ड पर ऑफलाइन बैच की तरह कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर देना। और अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी करते हैं तो शाम को डेली 7 बजे मैथ्स की क्लास रहती है। मैथ्स की क्लास आप ज्वाइन कर लें, एक क्वेश्चन भी अपने इस कोर्स से बाहर नहीं आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।